Hey, what's up guys, it's Spy Asher and welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft. और guys, आप लोगों को तो देख ही रहा होगा, हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में हैं. तो चलो भाई, अभी मैं पता है ऐसे टाइम पास में खेल रहा था और मेरे को यहाँ पे ना एक दो चीज़ें देखनी थी. तो चलो भाई, एक काम करते हैं ना, हम लोग ऐसे ही सोच रहे कि कुछ ना कुछ बनाते हैं इस वर्ल्ड में. तो अबे यार, ये कहाँ गड्ढे में गिर गया मैं. तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यार, कहीं पे मेरे को एक विलेज मिल जाए ना तो वहाँ पे मज़ा आएगा. ओह, मेरे को चलो फाइनली गाइस एक विलेज मिल चुकी है. और अभी मेरे को ना यहाँ पे बिल्ड टू बैटल चैलेंज करने के लिए ना जगह ढूंढनी है. चलो यहाँ पे जगह ढूंढते हो भाई. ये विलेज तो बहुत ज़्यादा ही मस्त. ओ वेट, विलेज में आग क्यों लगी हुई है? व्हाट द हेक. ओ, यहाँ पे कोई बंदा है पहले से. अरे विलेज में आग क्यों लगा रहा है भाई, वहाँ पे विलेजर रहते हैं. ओए मार मत, ओए विलेजर को मार मत. ओ भाई यहाँ पे बंदे, ओ इसने विलेजर को मार दिया. मैं इसको मारना पड़ेगा भाई. ओ भाई, ये बंदा बहुत ज़्यादा ही प्रो है. भाग यहाँ से भाई. यार ये विलेजर, भाग जा, नज़र मत आइए मेरे को यहाँ पे, भैंस की गोली मार दूंगा. भाग जा, पीछे मुड़ के मत देखिए, सूतली बम फोड़ दूंगा. भाई साहब चला गया वो, धुंध में गायब हो गया गाइस. व्हाट द हेक यार. और सुट, एक मिनट यार, पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, यहाँ पे गाइस ये जो आग लगी हुई है ना, इसको बुता देते हैं. मुझे नहीं पता यार इस विलेज में ये बंदा कहाँ से आया, बड़ा अजीब सा डरावना सा लग रहा था भाई. ये तो पूरी विलेज जला रहा है. वेट अ सेकंड गाइस, मैं इसको पहले बुता देता हूँ. भाई यार, मैं तो यहाँ पे अपने बिल्ड टू बैटल के लिए वीडियो के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, ये क्या हो गया. वेट अ सेकंड यार, ये कैसा वर्ल्ड है. ओ भाई, मैं खुद चल रहा हूँ अभी. नहीं मेरे को, ओ गया गाइस, ये तो गया विलेज, अब तो पूरा जल जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है. ओके, हम लोगों ने गाइस ये वाला घर तो बचा लिया, बट ये आधे से ज़्यादा तो जल चुका है. और ये पेड़ फिर से जल रहा है. वेट अ सेकंड, और मेरे को भी ध्यान रखना होगा कि मैं ऐसे इधर उधर ना कूदूं, वरना मैं तो मर जाऊंगा. तो फाइनली गाइस, हम लोगों ने यहाँ के सारे विलेज में से जो आग लगी हुई थी बुता दी. और भाई ये पूरी विलेज जल चुकी है अभी. और लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जिंदा हैं, तो अभी भाई इनसे मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ भाई आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे. यार वो बंदा कौन है. तो ओके गाइज, अभी मेरी इस वाले विलेजर से बात हुई. और ये भाई, ये विलेजर कह रहा है ना, यहाँ पे एक काली पहाड़ी है, वहाँ पे एक काली पहाड़ी का एक काली राक्षस करके एक बंदा है, वो रहता है. और भाई वो बंदा जो है ना, यहाँ पे इनके विलेज में आता है और इनको लोगों को टॉर्चर करता है खूब दबा के, और कहता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ, तुम मुझे लगान दो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है भाई, बहुत सारी चीज़ें करता है. और इनसे बोलता है कि मुझे एमरल्ड्स चाहिए रोज के, और भाई इनको रोज़ तंग करता है, पता नहीं क्या क्या ड्रामे बता रहे थे लोग. और बोल रहे हम लोगों को रोज़ टॉर्चर करता है और हमारे विलेज में आग लगाता है, क्योंकि ये यहाँ पे अपनी पूरी राज्य बनाना चाहता है और यहाँ पे रहना चाहता है अपने, मतलब इसको भी पूरा काली विलेज बनाना चाहता है. और काली पहाड़ी इसने मेरे को जो बताया है ना गाइस, वो बहुत डरावना वर्ड लग रहा है. तो एक काम करते हैं ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी काली पहाड़ी बता रहा था. तो चलो भाई, मैं जल्दी से इधर चलता हूँ और देखो भाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई. ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं. और जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे विलेज है. थोड़ा सा इधर चलेंगे ना तो यहाँ पे आ जाती है हमारी काली पहाड़ी. तो ये गाइस जो आप लोगों को उस साइड दिख रहा है ना, वो है काली पहाड़ी. और बोला गया है कि जो ये ब्लू वाले पेड़ है ना, ये जो ब्लू वाले आपको पौधे ये दिख रहे होंगे फ्लावर्स, इसके पीछे जाने के बाद हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है. लाइक इसके पीछे से स्टार्ट हो जाती है काली पहाड़ी. तो ये वो काली पहाड़ी है, वहाँ पे उस काली पहाड़ी का यानी काली राक्षस का जो घर दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे है. और ओ वेट, मेरे को बंदा वहीं पर दिखा भाई. मतलब गाइज वो सच है, मतलब मेरे को तो अभी मजाक लग रहा था, बट ये सच में किसी काली पहाड़ी पर रहने वाला बंदा है. काली राक्षस नाम है इस बंदे का. और ये उधर ही है. और ओ वेट, वो मेरे को देख लेगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उधर से भाग जाता हूँ. और गाइस, ये अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है, क्योंकि यार हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते यार विलेज को, ऐसे लोग तंग करके, क्योंकि ये विलेजर तो कुछ नहीं कर सकते ना. और जब इनका गोलम इनको मारने आता है ना, इस काली राक्षस को, तो भाई ये उस गोलम को ही मार देता है. तो इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुके हैं. और ये मुझसे कह रहे हैं कि यार तुम हमारी हेल्प कर सकते हो तो करो. तो इसके लिए भाई बहुत सारी चीज़ें लग सकती है, हम लोगों को करना पड़ेगा. तो यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनकी मदद करूँ. आप लोग बताओ कमेंट में, क्या मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए, मतलब इस विलेज की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना अगर हम लोग किसी विलेज की मदद कर पाएंगे. तो चलो भाई, एक काम करता हूँ, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि आखिर मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा. ओके गाइस, तो अभी मेरी इन बंदे से बात हो चुकी है. और ये बंदे कह रहे हैं कि ना, यहाँ पे तुम्हें बस रहना है, हमारे विलेज की हेल्प करनी है, और तुम यहाँ के राजा बन जाओ और तुम हम लोगों की मदद करो. और ये यहाँ पे बस अब दो ही बचे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सिर्फ यहाँ पे दो ही विलेजर बचे हुए हैं, क्योंकि जितने भी वो काली राक्षस है ना, वो रोज़ इनको मार के इनके बलि चढ़ा के पूजा कर देता है. तो इस वजह से अब ये सिर्फ यहाँ पे दो ही बचे हैं और नहीं है. ये तो बहुत बुरी बात हो गई, हम लोगों को उस काली पहाड़ी पे जाके उस काली राक्षस का ना नाश करना पड़ेगा, मतलब उसको मारना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इस विलेज को काली मुक्त कर पाएंगे. बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो चुका है भाई.
ओके गाइस, तो चलो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने लिए थोड़े बहुत हथियार बनाने, क्योंकि अब तो पता चल चुका है हम लोगों को कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है और वो बंदा बहुत खतरनाक है। तो मेरे को इसके लिए पहले अपने लिए आर्मर बनाने पड़ेंगे। मेरे को इन विलेजर्स ने तो ये दिया है पैंट और एक ये जूते जो कि लेदर के हैं, और ये मुझे पता है कि और आप लोगों को भी पता है कि ये कुछ काम नहीं आने वाले। तो हम लोगों को अभी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलो मैं आयरन वायरन माइन करता हूँ और जल्दी से फिर आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। ओह वेट गाइस, कुछ इशू हो चुका है क्या हमारे साथ? जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस कि ये एक केव है और यहाँ पे नेदर ब्रिक लगे हुए हैं, मतलब नेदर के वो लगे हुए हैं स्टोन्स। भाई कुछ तो गलती हो चुकी है हमसे, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये स्टोन, या गाइस ये तो नेदर के स्टोन है, ये यहाँ पे क्यों लगे हुए? देख रहे हो गाइस ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कर्स होते जा रही है। मुझे ऐसा ही लग रहा है वो बंदा जो है इस वर्ल्ड को कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तो यार हम लोगों का तो सीन ख़राब हो सकता है, हम लोगों को ध्यान रखना होगा इस बारे में। और अभी एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से अपने लिए आर्मर के लिए आयरन ढूंढते हैं। अगर डायमंड मिल गया तो और बढ़िया, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे को डायमंड अभी मिलेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा भाई डायमंड के लिए हम लोगों को बहुत नीचे तक माइनिंग करने जाने पड़ेगी और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप लोगों को पता है ना वो काली राक्षस जो है ना कभी भी हमला कर सकता है दोबारा से, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो गाइस हम लोगों के पास 28 आयरन आ चुके हैं और अभी एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब हम लोग अपने लिए एक आर्मर तो बना पाएंगे, इससे ज़्यादा और अभी कुछ नहीं। बट मैं कहाँ से आया था मैं भूल गया हूँ। ओके मैं इसी साइड से आया था। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं और फिर जाके अपने लिए आर्मर बनाते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है हम लोग बहुत देर से नीचे हैं और वो काली राक्षस जो है कभी भी ऊपर आ सकता है, मतलब वो वहाँ पे ही होगा विलेज में। तो मेरे को ध्यान रखना होगा कि वो विलेज में है तो उसको मार के वहाँ से भगा दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डेंजर सीन चल रहा है। तो चलो भाई मैं जल्दी से ऊपर पहुँचता हूँ। वैसे अभी रात नहीं हुआ है, मैंने सुना है रात में बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है यहाँ पे, मतलब रात में ना बाहर कोई भी नहीं रहता भाई, यहाँ पे विलेज के बाहर बहुत खतरा है भाई बाहर। और मेरे को भी ध्यान रखना होगा कि मैं रात में बाहर ना रहूँ, क्योंकि रात में ना असली पावर आती है उस काली राक्षस की, रात को, सिर्फ रात में उसके बहुत ज़्यादा ही लेवल की पावर उसके पास रहती है। तो हम लोगों को रात में तो उससे कभी फाइट नहीं करनी है, क्योंकि मैंने सुना है जितने भी जो हमसे पहले यहाँ पे वॉरियर आए थे वो रात में ही फाइट कर रहे थे और वो मारे गए हैं बड़ी गंदी तरीके से, लाइक एक सेकंड भी नहीं टिक पाए, ऐसा इन लोगों ने बताया। तो भाई हमें तो दूर रहना पड़ेगा फिर रात में। तो चलो गाइस अभी मैंने यहाँ पे अपने आयरन को स्मेल करने के लिए लगा दिया और हमारे जितने भी आयरन हैं वो मे बी स्मेल्ट हो चुके होंगे। तो लेट्स गो, हम लोगों के आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं। अभी एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अपने आर्मर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा आर्मर ही है। तो ये बात गाइस, अब हम लोग थोड़े से पावरफुल हो चुके हैं, अभी भी हम लोगों को पता है कि वो बंदा बहुत खतरनाक है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उससे लड़ने से पहले। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे पूरा अपना आर्मर बना लेता हूँ। ओह वेट, मुझे यहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है गाइस। तो चलो गाइस अभी मैंने अपना पूरा आर्मर बना लिया आयरन का और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है, मतलब मेरे घर के बिल्कुल पीछे। तो एक काम करते हैं हम लोग पीछे वाले एरिया में चेक कर लेते हैं अपने घर के। तो यहाँ पे कोई बंदा लग रहा था मेरे को, क्योंकि मुझे किसी की आवाज़ आ रही है चलने की। व्हाट द हेक, ओ भाई ये काली राक्षस यहाँ पे कैसे आ गया? साले आज तू पिट गया। ओ भाई भाई तुम मार रहा है भाई, बड़ा गंदा, मेरी हेल्थ देखो गया। अब कहाँ जा, व्हाट द हेक, मेरे पास तो वाटर बकेट भी नहीं है गाइस। रुको भाई, अभी ये गया भाई, आज तेरा काम यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। विलेजर देखो मैं इसको मार के ही आऊँगा। ये ले, मैं कह रहा हूँ ना आज तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं भैंस की, तू मर गया आज, तू मर गया। ओ भाई ग्लिच कर रहा है भैंस की, इधर आ, तू मर गया इसकी। ओ साढ़ मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है क्या, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है क्या? तू बेटा आज पिट के रहेगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू गया भैंस की, और ओ भाई मैं, ओ शिट गाइस यार, अबे यार मेरे पास तो यहाँ पे कुछ भी। ओ हो हाँ याद आया मेरे को, मैंने रात में एक एंडरमैन मारता। साले तुझे तो मैं बताता हूँ, अभी तू गया। लेट्स गो। अब तो बेटा तू गया, तूने मेरे को ट्रैप में फंसाने की कोशिश कैसे करी बेटा, तू तो अब गया बेटा, तेरे पीछे सुतली बम फोड़ूंगा। ओ वेट, वो बंदा गायब हो गया भाई। और अबे यार बहुत सारे मॉब्स आ रहे हैं, काम करते हैं गाइस हम लोग यहाँ से पहले वापस चलते हैं। मेरा खाना किधर गया? ओ शिट मैं मरने वाला। ओके मैं बच गया, अभी मैं भाग रहा हूँ गाइस, क्योंकि अभी तो बहुत गलत सीन हो गया, हमें हमारा विलेज दिख चुका है। और आप लोगों ने देखा ना गाइस, वो काली जो मॉन्स्टर है ना, काली भाई, काली राक्षस भाई, उसने तो ऐसी तैसी कर दी। ओ नहीं, ओ बच गया मैं। तो यार अभी तो हम लोगों के साथ बड़ा गलत सीन हो गया था, अभी हम मरते मरते बचे हैं भाई, और रात भी हो गई। मैं वहीं पर सोच रहा था क्या करना है क्या नहीं,
तो चलो एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा सीधा सोने के लिए। और भाई अब मेरे को ध्यान रखना होगा कि आगे मेरे को इसके पीछे ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो ये छोटा मोटा ट्रैप था। अगर मेरे पास एक एंडरपल नहीं होती ना तो शायद हम लोग भी नहीं रहते। बट फाइनली गाइस हम लोगों ने सुबह कर दिया है सो के, और फाइनली एक रात भी गई। अभी बस हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी ये लोग यहीं पे मेरे से बात करने के लिए आए थे। चलो भाई क्या बात है मेरे को बता दो। ओके गाइस, तो अभी मेरी इनसे बात हो चुकी है और मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई क्या सीन क्या है। तो ये लोग कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने इस राक्षस को, जो काली राक्षस है ना, इसको भगाने के लिए हम लोगों को एक खास तरीके का स्टोन चाहिए होगा, क्योंकि वो स्टोन जो है ना एक पूजा में काम आने वाली है, जिससे उस काली राक्षस की जो पावर है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उस स्टोन से एक ना पावरफुल वेपन बन सकता है, जो कि मैं अगर पहनूंगा तो उससे मेरे को ज़्यादा पावर आएगी उससे लड़ने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा ना, मैं उसको मार रहा था, उसको लग नहीं रही थी और उसने मेरे को एक मारा और हेल्थ गई। तो या तो हम लोगों को इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है, बहुत हार्ड हो रखा है मामला पानी। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इनको भी बचा पाऊँगा या फिर मैं भी मर जाऊँगा, क्या होने वाला है ये तो आप लोगों को आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा रास्ता सही होगा, क्या मेरे को इस विलेज को छोड़ के भाग जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा हार्ड है, या फिर इनकी हेल्प करनी चाहिए लास्ट तक। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहना। गुड बाय, और लाइक कर देना अभी तक नहीं किया तो।